इसने ना मेरे को कॉल करी, इसने मेरे को ठीक करी कॉल। तो इसने ना मतलब ऐसी नॉर्मल बात चल रही थी, फिर एकदम से उसने उसकी बात छेड़ी। कहते कि देख, इसने मुझे लिखी हुई, मैं पोजेसिव हूँ, ठीक है, मैं पोजेसिव हूँ और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। मतलब वो मेरे को बोल रहा था एक तरह से, मतलब जिस तरह से बात करते करते, तो मतलब ये था जो श्वेता, बात छेड़ता है, ये अपनी पुरानी बंदी। तो उसने मेरे को बताया कि भाई वो जो लड़की थी, श्वेता श्वेता ऑफ माई, श्वेता उससे योर माइक ओपन इज ऑन। माइंड कनेक्शन, और मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसे कितने पागल नहीं जाते किसी के पीछे, बिल्कुल श्वेता वैसे था। कहते हैं कि वो बंदी से मेरे को यूज कर रही थी, और मुझे बहुत पता भी नहीं, मतलब ये था कि उसको पता थी, वो जब भी उसके साथ था, ये था कि मतलब वो बंदी के पीछे में इतना पागल था कि मतलब ये था कि वो सेक्स एडिक्टेड थी लड़की। तो कह रहा था कि जैसे योर माइक इज श्वेता ऑन, योर माइक इज ऑन श्वेता। सेम सेम ऐसे ही हुआ था उसके साथ, लेकिन लड़के के साथ, सोच श्वेता भाई। मतलब ये था कि कह रहा था कि वो एनी बंदी ना वे सेक्स एडिक्टेड थी, समझ उसने दी, मतलब ये था कि पोस्ट कर दो से यार। ऐसा कर दिया था, या था कि वो होता है ना कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना अट्रैक्शन सी, बिल्कुल फीलिंग वाले, तो समझ रही है तू, मतलब कैसे बताऊं मैं तेरे को। तो ये था कि उसने भी मतलब कर लिया, मतलब लड़के ने भी कर लिया, ठीक है, मतलब श्वेता हो गया कैन था। ऑफ योर माइक तो राइट कहता था नाउ, कि मतलब उसने मुझे ऐसी आदत डाल दी थी करने की, सॉरी ये सब कि मतलब हर मीटिंग पे वो करती थी, हर मीटिंग पे, मतलब जब भी मिलते थे जब भी करते थे। कह रहा था कि यार देख, उसने ना मुझे ना यार मुझे न, या, तुझे पता है कोई लड़का बहन राज्य का कोई लड़का ना, लड़का ना अपनी इतनी सीक्रेट्स, इतनी सारी चीजें तक नहीं बताता। उसने मेरे को एक एक चीजें बताई है, जो पता क्या कहता कि मैंने ना अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, उसने मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई फिर है यार, मतलब 111 लोगों को पता लग गई। अननोन पर्सन को, या 1 2 महीने की रिलेशनशिप में आने में कौन बता देता है ये सब चीजें, तू खुद बताइयो। माइक ऑफ कर ले, सब उसने उसने मुझे एक एक सुन लिया डिटेल भाई, बताई, उसने मतलब वो बंदा पंडित है, ठीक तो है। कॉल कर।